हे गाइस, सुबह की राम राम। मैं कर रही हूँ दूध गरम। बहुत सारा दूध हो गया है इकट्ठा, और हमने नई भैंस का भी दूध लगा लिया है। मैं बना रही हूँ हरी हरी सब्जी, गर्मा गर्म हाय मज़ेदार। गाइस, सुबह सुबह का टाइम है। मेरी तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैं सारा घर में झाड़ू लगा चुकी हूँ और अभी मैं दूध गर्म कर रही हूँ। दूध बहुत सारा इकट्ठा हो गया है क्योंकि हमने पहले गाय का दूध लगा रखा था चुन्नू के लिए, और अभी जो हमारे मामा जी हैं उनकी भैंस भी आ गई है और भैंस का दूध हमने अब लगा लिया, तो काफ़ी दूध स्टोर हो गया है। उनका भी एक दिन का बच रहा था और इधर से भैंस का भी आ गया, और अब सुबह भी मॉर्निंग में भी आ गया दोनों तरफ से। तो मैं दूध गर्म कर रही हूँ अभी ये सारा, और बहुत सारा दूध इकट्ठा हो गया है, कम से कम 2-3 किलो। तो आज मैं शाम को बनाऊंगी खीर। जब खीर बनाऊंगी तो आपको शेयर कर दूंगी। तो मॉर्निंग रूटीन मेरा स्टार्ट हो चुका है। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम होता है, वो तो सभी को पता ही, हाउस लेडीज़ को, कि सुबह सुबह कितना सारा काम होता है। सुबह सुबह चुन्नू के पापा गए हैं पटौती टेंट की बुकिंग के लिए, और मैंने उनके लिए मेथी और गोभी मिक्स करके पराठे बना दिए थे चाय के साथ, तो उन्होंने खा लिए थे। क्योंकि सुबह सुबह खिला पिला के ही भेजना चाहिए, क्योंकि बाहर जब जाते हैं तो पता नहीं होता कि रिटर्न कितने बजे आएंगे, तो इसलिए सुबह सुबह नाश्ता मैं उनका हमेशा बना देती हूँ। और अभी चुनू के कपड़े जो कई दिन से धूप नहीं निकली थी मैं सुखा के आई हूँ ऊपर, और कई दिनों से धूप नहीं निकल रही थी, कपड़े गीले थे, सूख भी नहीं रहे थे। मैंने 2 गुदड़ी धोई थी वो भी गीली थी, तो वो भी आज धूप निकली है तो मैं सुखा के आई हूँ। और चुनू के रात को इसने पोटी कर दी थी, तो वो भी मैं अभी धोऊंगी गर्म पानी की। अभी उसके कपड़े कल के स्टोर हो गए, वो मुझे धुलने हैं। धुलने के बाद अच्छी तरह से धूप लग जाएगी, आज बहुत धूप निकली हुई है कई दिनों के बाद। तो गाइस, सुबह सुबह बहुत काम हो जाता है, और आज तो पता नहीं क्या मुझे भूख ही नहीं लग रही, नहीं तो मैं सुबह सुबह ही रात का होता है ना खाना उसकी कोई खा जाती हूँ। दूध पे भी दे रही हूँ, कभी दूध ओपन के नीचे ना गिर जाए, क्योंकि दूध है ना बहुत ज़्यादा मुझसे गिरता है। दूध ऐसी चीज़ है, अगर थोड़ी देर भी इधर उधर हो जाए ना तो सारा निकल जाता है, और फिर साफ़ करने में बहुत दिक्कत होती है। मैंने तो इस दूध के चक्कर में कई बर्तन जला दिए, वो बहुत मुश्किल से साफ़ होते हैं, फिर वो बिल्कुल काले राख बन जाती है दूध की जल जल के, इतने मैंने बर्तन जला रखे हैं अपने घर के। और अभी तो स्टार्ट है मॉर्निंग टाइम, वैसे मेरा काम तो पूरा दिन कंप्लीट होता ही नहीं घर का, क्योंकि करती रहती हूँ। कभी चुनू तो अभी जूते उत्ते पहन के, शूज पहन के, टोपा पहन के, अभी उसके ताऊ जी के बेटे आए थे उनके साथ चली गई है दूध पी के, अभी वो वहीं पे ही खेलती रहेगी। तब तक मैं अपना पीछे से काम फिनिश कर लूँगी, और फिनिश क्या कर लूँगी, मेरा काम तो सारा दिन चलता ही रहता है घर का, क्योंकि हाउस लेडी को है ना कभी भी टाइम नहीं मिलता अपने लिए सेल्फ, सारे दिन मैं लगी रहती हूँ काम करने के लिए। तो अब ये हरी सब्जी मैंने चढ़ा दी है, सर्दियों में हम हरी सब्जी बहुत बनाते हैं, आप भी बनाया करो, इससे बहुत ही बेनिफिट मिलता है शरीर में, जो पोषक तत्व खत्म हो चुके हैं शरीर में। कई लेडीज ये कहती नहीं है कि हमारे घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, तो हरी सब्जियाँ खाने से वो सारे दर्द खत्म हो जाते हैं। आप ही बनाया करो अपने घर में, हरी सब्जी खाने से सुंदरता भी निखर जाती है। मैं तो इतनी सुंदर हूँ नहीं, वैसे दूध का ही डर लग रहा है कभी निकल जाए। और गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज
सब्सक्राइब तो कर दीजिए और वॉच भी कर दीजिए एंड शेयर भी कीजिए, ताकि और कोई भी वॉच करे और मेरा टाइम बढ़ता रहे। मेरा टाइम बहुत ही कम है।